कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैजान। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शुरू करते हैं, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने जो है एक्सेल के अंदर पाइवट चार्ट बना सकते हैं। पाइवट चार्ट, पाइवट टेबल का वीडियो मैंने आप लास्ट वीडियो में बनाया था। पाइवट टेबल पर क्लिक करके पाइवट टेबल बनाई जा सकती है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे बनेगी, किस तरह से काम होगा, वो सब मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। अब मैं पाइवट चार्ट के बारे में बताता हूँ। पाइवट चार्ट पर क्लिक करेंगे और कुछ नहीं करना है। जहाँ पर आप चार्ट इंसर्ट कराना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद रेंज पर क्लिक करेंगे, यहाँ बॉक्स में पाइवट टेबल की तरह ही, और इसको सिलेक्ट कर लेंगे सबको। और सबको सिलेक्ट करने के बाद ओके दबाएंगे तो ये वही पुराना मेथड होगा। इसमें टेबल भी आएगी और आपका चार्ट भी बनता जाएगा। नेम पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने नेम पर चेक करा तो नेम आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे अब हमें इंग्लिश के चाहिए तो इंग्लिश पे क्लिक करते ही अक्षय के इंग्लिश के नंबर ये हैं और इसके ये हैं और राजीव के ये हैं, जिशान के ये हैं, तो नेम हमारा यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर नेम का फिल्टर भी आ रहा है कि तुम किसी विशेष का चाहते हो चार्ट या कुछ लोगों का चाहते हो तो उनका भी ले सकते हो। तो ये नेम का फिल्टर चार्ट आ रहा है। तुम इसके यहीं पर मैथ भी ऐड कर सकते हो, यहीं पर आप साइंस भी ऐड कर सकते हो, यहीं पर आप इसके और सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड करे जा सकते हैं। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो चार्ट बन गया है इनका। अब तुम चाहते हो कि कोई दो या तीन लोगों का दिखाई दे तो तुम उन तीन को सिलेक्ट करके ओके कर सकते हो यहाँ से नेम पे से जाकर। तो अब ये इन तीन बंदों का दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सबका दिखाई देगा। ओके करो तो ये सबका दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ पर पहले की तरह से ही पाइवट टेबल भी बन रही है और इसमें भी हम वो सारे काम कर सकते हैं। हम काउंट करके भी निकाल सकते हैं चार्ट, या अलग अलग बनाना पड़े तो उससे भी बना सकते हैं। और चार्ट अगर हटाना हो तो चार्ट के ऊपर क्लिक करो और इसको चार्ट को डिलीट कर दो। अब टेबल रह जाएगी और टेबल को पूरा सिलेक्ट करके डिलीट करना पड़ता है। पूरा सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। जो काम हमने पाइवट टेबल के साथ किया था कि फ़िल्टर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, वही सारे काम हम पाइवट चार्ट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, पूरा विस्तार के साथ बताया हुआ है, उस वीडियो को देखिए आपको पता चल जाएगा। और चार्ट इसी तरह से बनेगा, बस ये लिखा हुआ होना चाहिए और जहाँ पर आपको चार्ट इंसर्ट कराना है वहाँ पर इंसर्ट करा लीजिए और बस टेबल सेलेक्ट कर लीजिए इसके बाद कि ये वाली टेबल का चार्ट बनना है। ओके करेंगे और इनको चेक कर लीजिए, वो चार्ट जिन जिन चीज़ों को चेक करोगे वो चार्ट में दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। ये आ गया। तो इस बार हमने आधा बीच में से ले लिया है, नाम नहीं लिए उनके, शुरू वाली हेडिंग्स ली ही नहीं है। तो इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये सी से आ रहा है, हमने यहीं से ले लिया है जबकि इसमें शुरू में नाम है, ये रहे। तो इस तरह से बनानी है टेबल, बस यही है। चलिए इसको बंद करते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।